अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरशाद अहमद डोगर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 41 से। आज हम आपको स्टेबलाइजर का जो ब्रेकर है बार बार ट्रिप हो जाता है, क्यों होता है, क्या वजह होती है, उसमें दो तीन प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपकी जो फ्रिज या फ्रीज़र वगैरह वो भी ख़राब हो सकता है, आपका जो अंतरिक्ष का जो ट्रांसफार्मर वगैरह है वो भी ख़राब हो सकता है, और आपका जो ब्रेकर है, मैं अगर आपको यहाँ पर दिखा सकूँ स्टेबलाइजर का, ये देखें जो स्टेबलाइजर का जो ब्रेकर होता है, ये जो ब्रेकर होता है ये भी लूज़ हो जाता है, और लूज़ होने की वजह से ये जो ब्रेकर है ना, लूज़ होने की वजह से ये चेक करें, ये बार बार इस तरह ट्रिप हो जाता है, इस तरह बिल्कुल लूज़ हो गया, और थोड़ा सा हाथ लगाने से ही ट्रिप कर गया। ये देखें, थोड़ा सा हाथ लगाया और ट्रिप कर गया, इस वजह से ये ट्रिप करता है। अब जो इसमें जो फॉल्ट है, इसका जो ब्रेकर है वो ख़राब हो गया है, इसमें इसका जो फ्रिज और फ्रीज़र है वो बिल्कुल ठीक है, इसका जो ट्रांसफार्मर है वो भी ठीक है, इसका जो ब्रेकर है वो ख़राब हो गया है। इसका जो हम आपके सामने इसका जो ब्रेकर किस तरह चेंज किया जाता है आपको मुकम्मल तफसील के साथ इसे बताते हैं और दिखाते हैं, आप देखिए और इसे समझिए, और इसे काम को बआसानी आप घर में ही कर सकते हो। अगर आपने मेरा ये चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 41 अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचेगी और आप उससे फ़ायदा उठा सकोगे। हम ये कोशिश करते हैं जो हमारे पास काम आया वही आपको वीडियो अपलोड करें और आप तक पहुँचाएं। इसमें कोई भी फेक चीज़ नहीं होती, जो हम काम कस्टमर जो लेके आता है वो करते हैं और उसी की हम वीडियो बनाते हैं और वही वीडियो हम अपलोड करते हैं, और आपको ये आज दिखाते हैं कि इसका जो ब्रेकर है किस तरह चेंज किया जाता है। चलो आए आपको दिखाते हैं, ये कवर हमने उतारा और देखें इसमें कितना डस्ट वगैरह है, ये चेक करें। इस डस्ट वगैरह को हम साफ़ करेंगे, इसे ब्लोअर लगाएंगे, और इसको ब्लोअर लगा के आपको इसका जो ये हमारा ब्रेकर है, ये जो हमारा ब्रेकर है ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसे हम चेंज करेंगे, ये जो ब्रेकर है। ये देखिए हमने ब्लोअर लगा लिया है, अब ब्लोअर लगाने के बाद हमने ये जो है ब्रेकर, ये ब्रेकर अब खोलेंगे और इसे चेंज करेंगे। ये देखें, ये ब्रेकर के साथ एक पत्ती सी लगी हुई है, वो हमने पीछे हटाई, खोला पेच, और ये ब्रेकर हमने बाहर निकाल लेना है। ये देखें, ब्रेकर हमने बाहर निकाल लिया, और बाहर निकाल के हमने इसको, ये देखे ना, ये जंग वगैरह लगा हुआ, ये देखे नज़र आ रहा होगा आपको, इसमें जो वजह बनी है, ये हीट अप होने की वजह से ये जो ब्रेकर है वो हीट अप होने की वजह से ये ना हो गया इस तरह के, ये वायर वगैरह जो इसकी लूज़ थी, लूज़ होने की वजह से, हीट अप होने की वजह से यह ब्रेकर लूज़ हो गया। अब हम इसकी जगह पे ये ब्रेकर लगाएंगे, ये देखें न्यू ब्रेकर लगाएंगे, ये जिस तरह वो ब्रेकर हाथ लगाने से ट्रिप हो जाता था, ये देखें ये ट्रिप नहीं हो रहा, तो हाथ लगाने से ही ट्रिप हो जाता था। अब इसके हमने टर्मिनल से पेच खोले, ये देखें, ये देखें किस तरह ब्रेकर ख़राब होने की वजह जो है, ये देखें स्पार्किंग हो के ये वायर बिल्कुल ब्लैक हो गई थी, ये इसमें जो प्रॉब्लम आया है।
अब हम इसको साफ करेंगे। और ब्रेकर, नया ब्रेकर यहाँ पे लगाएंगे। ये देखें, ये हमने, ये जो टर्मिनल है इसमें हमने ये वायर डालनी और इसे टाइट कर देना। इसे अच्छी से टाइट करना है कि जिस तरह ये पहले बिल्कुल ढीला होने की वजह से स्पार्किंग करता रहा और ये ब्रेकर ख़राब हो गया, आपने वो लाजमी ख्याल रखना है। और ये भी हमने वायर खोलनी है दूसरी साइड। ये वायर बिल्कुल ठीक है, साफ़ है, क्योंकि उस वायर में, दूसरी साइड वाली जो वायर में, उसी में मसला था, वो ढीली होने की वजह से स्पार्किंग करते रहे और ब्रेकर ख़राब हो गया, जो फॉल्ट ब्रेकर को आया ये है। ये आपने अच्छी तरह इसे टाइट कर लेना है और हम इसे लगा के चेक करते हैं कि आया इसमें फिक्स होता है। फिक्स तो हो रहा है, लेकिन जो हमारा ब्रेकर है वो बाहर निकल जाता ज़्यादा। बाहर रोकने के लिए हमने ये देखें, इसमें जो स्पोटें लगी हुई हैं, बाहर ज़्यादा ना निकले ब्रेकर, उसके लिए ये देखें ये स्पोटें लगाई हुई हैं, ये नज़र आ रही हैं आपको। ये देखें, ये इसमें सुराख होते हैं ब्रेक से, ये आपको यहाँ में हम इसमें कुछ वायर वगैरह डालेंगे और इसमें कि ये सही हो जाए कि बाहर ना निकल सके। ये देखें, हमने एक वायर इस तरह डाल ली और दूसरी डाल रहे हैं। ये देखें, ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप लगाना चाहे तो लगा लें, सिर्फ सपोर्ट के लिए है, कोई इतना ज़रूरी नहीं है ये लगानी है। और हमने यहाँ पे टाइट कर देनी है इस तरह, ये है कि बाहर ना निकले। ये ब्रेकर लगाने से यहाँ से बाहर आ जाता था ज़्यादा, इसलिए लगाई है, सपोर्ट नहीं तो ज़रूरत नहीं है। ये हमने यहाँ पे अभी ये देखें, यहाँ पे ये जो सपोर्ट है बै लगी हुई है, ये देखें ये हमने लगा ली और इस पर पेच जो टाइट करेंगे। ये देखें, हमने सपोर्ट को, पेज को टाइट कर दिया और ये आपके सामने हमने लगा लिया। अब इसे हम पावर देंगे और चेक करेंगे कि ये ऑन होता है कि नहीं होता। ये चेक करेंगे, ये देखें, ये छोटा सा लैंप वो सामने नज़र आ रहा है, ये देखें। अब मैं ऑन करूँगा, आप देखें, ये देखें ऑन हो गया हमारा जो ब्रेकर, अब बिल्कुल काम करना शुरू हो गया है। और हम इसे आप बंद करेंगे। दोस्तों, ये जो मैंने ब्रेकर आपके सामने चेंज किया है, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जिस तरह मैंने ये ब्रेकर चेंज किया है स्टेबलाइजर का, आप इसी तरह ये ब्रेकर वगैरह चेंज कर सकते हो, चेक कर सकते हो क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप इसी तरह काम करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, उससे ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप हमारी जो वीडियो बआसानी, जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक पहुँचेगी, और वहाँ से जाकर नोटिफिकेशन से आप ये वीडियो चेक कर सकते हो और देख सकते हो। और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।